ओके तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक ना। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ओके, प्लेन मिरर से हमने देख लिया कि इमेज कैसे बनती है। देन मैंने उसके बाद आपको बताया कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन के बाद मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड इमेज क्या होती है। एंड लास्ट क्लास था हमारी क्लास का राइट द टाइप्स ऑफ इमेज। ओके, सो इमेज कैन बी टू टाइप्स। यस, तो इमेज कितने टाइप की होती हैं? लिखिए राइट द टाइप्स ऑफ इमेज। तो बेटा दो टाइप की इमेज होती हैं, पहली है रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज। तो दो टाइप की आपकी इमेज हैं, एक है रियल इमेज और एक दूसरा है वर्चुअल इमेज, ठीक ना। रियल इमेज क्या है? रियल इमेज ये है कि अगर रेज आफ्टर द सर, हाँ बेटा बोलो। सर आई हैव डाउट इन सर दैट इमेज ऑफ एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंड ऑब्जेक्ट की इमेज क्या है? चलो देखो, एक्सटेंड इमेज की ऑब्जेक्ट में मैंने ये बताया था कि जैसे आपने कल देखा था कि यदि आप के सामने मिरर है और मिरर में आप अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो रेज होती है, एक सपोज ये गई, ओके, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रे टकरा करके यूँ चली गई, और जो दूसरी रे है वो सपोज यहाँ गई, और ये जो दूसरी रे है ये टकरा करके फिर उसी अंदाज में यूँ चली गई। और फिर आप यदि यहाँ पर आप जो है इसका वर्चुअल इमेज कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर बनता है, जैसे सपोज ये रेस पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये इसकी इमेज बनेगी। ओके, तो अब समझने की बात ये है कि अगर ये पॉइंट एच हाइट ऊपर है तो जो पॉइंट पी डैश बनेगा उसकी इमेज एच डेप्थ नीचे बनेगी जितना ऊपर है। और अगर आप ये कैसा था पॉइंट ऑब्जेक्ट था, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट था, एक पॉइंट था, बट अगर आप कोई कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे कि कोई कोई यहाँ पर आप एक्टर खड़ा कर दें, हीरो लें, हीरोइन लें, तो उनका केवल ये पॉइंट नहीं होगा, फिर हर पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, एवरी वन पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, इधर से भी 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 होगा। तो जब उनके रिफ्लेक्शन इमेजेस बनेंगे तो यहाँ पे भी बनेंगे, यहाँ पे भी बनेंगे, यहाँ पे भी बनेंगे, यहाँ पे भी बनेंगे, यहाँ पे भी, तो एक कंटिन्यूअस इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट कैसा था? कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। तो ये जो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट होता है इसी को बोलते हैं अपन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर प्लीज टेल डेफिनेशन। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या बताऊं मैं, मतलब लगातार कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए जैसे ये यहाँ पे इस पैराग्राफ को मैं पढ़ देता हूँ। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एम एम वन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द ऑब्जेक्ट रेज आर ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम तो बना है नहीं यहाँ पे, इसका डायग्राम यहाँ पे बना नहीं है, तो इसको मैं बना देता हूँ डायग्राम। देखिए एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एम एम वन। आपके सामने एक प्लेन मिरर एम एम वन है, ये एम एम वन मिरर है एम एम वन, और यहाँ पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है सपोज ये ए है और ये बी है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एम एम वन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द ऑब्जेक्ट रेज लाइट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। अब ए से और बी से हर डायरेक्शन में लाइट चलेगी, ए से और बी से हर डायरेक्शन में लाइट चलेगी। टू रेज ए पी एंड ए क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम ए इंसिडेंट ऑन द मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड एज पी पी डैश एंड क्यू क्यू डैश रिफ्लेक्टिवली फ्रॉम द मिरर। ये एक्चुअली यहाँ पे इसको ऐसा समझ लो आप, ये वाली इसकी बात हो रही है। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि जो टू रेज हैं ए पी एंड ए क्यू, टू रेज ए पी एंड ए क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इंसिडेंट। तो यहाँ पे एक रे मान लो आप कोई भी ए पी और एक रे मान लो आप ए क्यू, पहली वाली रे ए पी है, दूसरी रे ए क्यू है। टू रेज ए पी एंड ए क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड एज पी पी डैश एंड क्यू क्यू डैश, और यहाँ पे पी पे आने के बाद ये रिफ्लेक्ट यहाँ हो गई और ये रिफ्लेक्ट यहाँ हो गई। ओके, रिफ्लेक्ट हो गई। दीज रिफ्लेक्टेड रेज वेन प्रोड्यूस बैकवर्ड मीट एट पॉइंट ए डैश, जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया गया, अभी मैंने आपको दिखाया भी कि जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हो डिक 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 टिक टिक करके, तो यहाँ पर इनका क्या बनता है? इमेज बनती है। बोलो यहाँ तक समझ में आया अनूप? यस सर। मीट एट पॉइंट ए डैश, इन अदर वर्ड फॉर एन ऑब्जर्वर दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर टू कम एट ए, मतलब ये समझ में आता है
ऑब्जर्वर के लिए कि ये जो इमेज है अपीयर टू कम एट ए दस ए डैस, मतलब अपीयर टू कम फ्रॉम ए डैस होगा बेटा, यहाँ पे एट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रॉम। मतलब अगर यहाँ पर कोई आँख लगा के बंदा खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो उसको ये लगेगा कि ये जो रेज हैं ये इधर से आ रही हैं, ए डैस से आ रही हैं, तो इसलिए जो ए डैस होगा वो क्या होगा, इसका वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए आप अगर ये आपने कहाँ से इमेज ली थी, ए से। अब कह रहा है कि अगर आप इसी को बी से स्टार्ट कर दो, इन द सेम वे टू रेज बी आर एंड बी एस, मतलब दो रेज की बात कर दी, कोई दो रेज अलग बी, तो ए पॉइंट कहाँ था बेटा, ऊपर था, और बी पॉइंट कहीं और है, तो बी पॉइंट और ले लो, तो बी पॉइंट के लिए सेम प्रोसेस होगी और बी डैश पर क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पर यार ये दो पॉइंट हैं, तो दो पॉइंट की इमेज बनेगी, उनको जब ज्वाइन करोगे तो एक बड़ी इमेज बनेगी, तो इस ये जो बड़ी इमेज बनती है बेटा, इसको बोलते हैं अपन एक्सटेंडेड इमेज। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंडेड इमेज, एक्सटेंडेड इमेज भाई, क्योंकि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था और ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट थी। अभी तक हम जो इमेज बनाते आ रहे हैं वो सब पॉइंट ऑब्जेक्ट की बनाई है, मगर यहाँ पर ए से लेके बी तक हर पॉइंट अपने आप में सोर्स का काम करेगा और वो इमेज बनाएगा। सो जो आपकी इमेज बनेगी ना वो काफ़ी बड़ी बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड इमेज। सो लिखा हुआ है, इन द सेम वे टू रेज बी आर एंड बी एस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी इंसिडेंट इन द मिरर गेट रिफ्लेक्टेड एट आर आर डैश एंड एस एस डैश रिस्पेक्टली फ्रॉम द मिरर, दस बी डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट बी। ओबियस यार, बी पॉइंट की बी डैश इमेज बनेगी। दस ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी, इट इज़ एरेक्ट एंड साइज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ फॉर्म फार बिहाइंड द प्लेन मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम फ्रॉम द मिरर। मतलब जितना मिरर के आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना मिरर के पीछे इमेज बनेगी। तो एक्सटेंडेड इमेज में केवल कहने का मतलब इतना सा है कि जब पॉइंट इमेज की बात करते हो तो आप किसी एक पॉइंट को लेते हो, और अगर दो पॉइंट लोगे तो उनके बीच के सारे पॉइंट भी किसका काम करेंगे, सोर्स का काम करेंगे, और वो सारे के सारे पॉइंट अपनी अलग अलग इमेज बनाएंगे। बट बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, क्लियर। तो यही कहलाएगी आपकी एक्सटेंडेड इमेज, ठीक है ना? यस सर, थैंक यू सर। अब बात करते हैं बेटा, थैंक यू बेटा, रियल इमेज की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, व्हाट इज रियल इमेज, टाइप ऑफ इमेज में पहला क्वेश्चन बनाइए बच्चों, व्हाट इज रियल इमेज। रियल इमेज देखिए बच्चों, रियल इमेज क्या होती है, जब लाइट रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पर आ करके यकीनन मिलती हैं, नेचुरली मिलती हैं, इफ़ दे नेचुरली मीट एट पॉइंट। और नेचुरली मीट करने के लिए बेटा राइट ले का कन्वर्ज होना बहुत ज़रूरी है, कन्वर्ज मतलब राइट ले का सिकुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा है कि अ रियल इमेज अकर्स व्हेन अ रेज कन्वर्ज, अगर रेज कन्वर्ज होती हैं दैट इज लाइट रेज एक्चुअली मीट एट अ इमेज, एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट नॉट एट इमेज। अगर किसी पॉइंट पर वो आके मिलती हैं तो हम कहेंगे कि रियल इमेज बन सकती हैं। और याद रखिएगा, रियल इमेज को किसी भी प्रोजेक्ट स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हम रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, नोट कर लो। सो अ रियल इमेज अकर्स व्हेन रेज ऑफ लाइट कन्वर्स, ओके, जब किसी पॉइंट पर आकर के लाइट रेस मिलती हैं तो हम कहेंगे कि वो रियल इमेज बना रही है। इफ दे रियली मीट एट अ पॉइंट एंड फॉर दिस दे शुड बी इन कन्वर्जिंग मोड, द लाइट रेस शुड कन्वर्ज टू बीइंग मीट एट अ पॉइंट, ओके। यस सर, ओके। सेकंड, अगर लाइट रे नेचुरली डाइवर्ज हो रही है, अगर लाइट रे नेचुरली डाइवर्ज हो रही है, मतलब जैसे अभी आपने देखा मिरर के केस में कि ये लाइट रे यहाँ से यहाँ आ गई थी, ये इधर चली गई थी, और ऊपर वाले से ये लाइट रे यहाँ आई थी तो ये यहाँ चली गई थी, तो ये एक्चुअली क्या हो रही थी, लाइट रे डाइवर्ज हो रही थी, बट एट सम पॉइंट जो है कहीं ना कहीं वो एक्सटेंड करने पर मिल रही थी। मतलब अपीयर क्या हो रही थी कि ये फील हो रहा था कि वो कहाँ कहीं से आते हुए लग रही थी, कि दैट लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम सम पॉइंट, ओके, दे आर लाइट रेज आर अपीयर टू कमिंग फ्रॉम सम पॉइंट, ओके, वी फील दैट लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम सम पॉइंट,
यस तो जिस पॉइंट से वो आती हुई महसूस होती है, एक्चुअली दैट पॉइंट उसकी क्या होती है, इमेज होती है। सो लाइट जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा कैसी लाइट से बनती है बेटा, जो लाइट दूर दूर जाती है इनको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग रेज। क्या बोलते हैं इनको हम? डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रे एग्जैक्टली, डाइवर्जिंग मतलब फैलने वाली रेज। यस सो बच्चों क्वेश्चन लिखो, डिफाइन वर्चुअल इमेज। ओके सो वर्चुअल इमेजेस, व्हेन वर्चुअल इमेजेस अकर व्हेन रेज आर ओनली अपीयर टू कन्वर्स। मतलब अपीयर क्या होंगी, अपीयर मतलब महसूस होंगी, रियली देखा जाए तो वो डाइवर्ज होंगी, बट ऑन द अदर साइड दे आर अपीयर टू बी कन्वर्स। ओके, लाइट रेज अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट दैट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। यस, याद रखिएगा कि वर्चुअल इमेज को आप किसी पॉइंट इमेज के स्क्रीन पर नहीं बना सकते हो, बिकॉज ये जो पॉइंट होता है ये इमेजनरी पॉइंट होता है और आप इसको रियली प्रोजेक्ट नहीं करा पाओगे, क्योंकि एक्चुअल लाइट बीम को तो आप मिला सकते हो बट अपेरेंटली आप उसको पीछे की तरफ डायरेक्शन करके नहीं मिला सकते हो, वो लाइट की मर्जी है। तो याद रखिएगा कि आप रियल इमेजेस को बना सकते हैं स्क्रीन पर, तो जो भी सिनेमा वगैरह आप देखते हैं दोज आर रियल इमेजेस, क्योंकि उनको विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर वहाँ पर उनकी इमेजेस को प्रोजेक्ट किया जाता है। सिनेमा है, प्रोजेक्टर है, ठीक ना, यहाँ पर रियल इमेज बनती है, उनको हम इन द स्क्रीन प्रोजेक्ट कराते हैं और इमेजेस को मीट कराते हैं उस पॉइंट पे। मगर हम वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन में नहीं बना सकते हैं, सो वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। सो वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको आप पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हो वर्चुअल इमेजेस को। बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर। सो दिस इज वर्चुअल इमेज। नाउ थर्ड कंसेप्ट, चलिए अगला लिखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी बताइए। ओके तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इमेज इज वर्चुअल एंड इट कैन नॉट प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। जस्ट वी हैव रेड द इमेज इज वर्चुअल एंड इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। इमेज इज एरेक्ट, ऑब्वियस। इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज लैटरली इन्वर्टेड। एंड फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम। एग्जैक्टली, ये पांचों पॉइंट आप सभी को क्लियर हैं, मैंने सब बता दिए। ओके, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। सर थर्ड पॉइंट इज सिमिलर एज फिफ्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इमेज इज द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज इज ऑफ द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा सर, साइज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, और फिफ्थ पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ द, नहीं बेटा ये नहीं है सेम। भाई एक में बात हो रही है इमेज की साइज की और एक में बात हो रही है डिस्टेंस की। ये जैसे मिरर रखा है तो मिरर के पीछे जितना दूर पे आप हो उतनी दूर पे इमेज बनेगी, तो ये तो हो गई डिस्टेंस की बात। और अगर आपका साइज ये है तो इमेज का साइज भी यही होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज ये है तो इमेज का साइज भी यही होगा। तो एक पॉइंट दूरी बता रहा है मिरर से और एक पॉइंट उसकी हाइट के बारे में बता रहा है, तो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों, राइट द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। राइट द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज क्या है? सो टू सी आवर सेल्फ। यस भाई, वैसे तो हेयर सैलून में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होना चाहिए। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हेयर सैलून में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होना चाहिए, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े हेयर सैलून्स में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता भी है, मगर नॉर्मली जो लोकल हेयर सैलून होते हैं उनमें हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं टू सी आवर सेल्फ। बड़े प्लेन मिरर वो लगा के रखते हैं। सेकेंड, टू मेक सम इंस्ट्रूमेंट लाइक पेरिस्कोप। एग्जैक्टली, पेरिस्कोप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड तीसरा, इन शॉप्स फॉर डेकोरेशन। शॉप्स में, मंदिरों में डेकोरेशन के लिए प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो प्लेन मिरर के ये यूजेस हैं, और भी यूजेस हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो आपको लगते हो कि कहाँ कहाँ पर प्लेन मिरर इस्तेमाल होता है,
वो आप लिख सकते हैं सर, पेरिस को मल्टीपल रिफ्लेक्शन जैसे होता है वो। यस एग्जैक्टली, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, पनडुब्बी में ऊपर की चीज़ें देखने के लिए ऐसे लगा होता है, तो एक मिरर ये लगा होता है, देन उसके ऊपर उल्टा मिरर लगा होता है, तो जो लाइट होती है टकरा करके इसमें आती है, फिर ऐसे आती है, ठीक है ना। यस, जो सबमरीन होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है पेरिस्कोप का, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है लाइट का सेकेंड, रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ। पहला लॉ अपन ने पढ़ लिया था कि द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइंग ऑन द सेम प्लेन, ये हो गया था। सेकेंड लॉ है, फॉर द लाइट रे स्ट्राइकिंग द प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नोट करिए बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डन। यस सर। यस, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। चलिए अब नाउ स्टार्ट करते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ओके, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या है? मिरर की पहचान है उसकी रिफ्लेक्टर सरफेस से, मिरर की पहचान है उसकी रिफ्लेक्टर सरफेस से। अगर रिफ्लेक्टर सरफेस प्लेन है देन दैट मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर, और अगर रिफ्लेक्टर सरफेस स्फेरिकल है, जैसे ये देखिए रिफ्लेक्टर सरफेस आपके पास क्या है, स्फेरिकल है, तो आपका जो मिरर कहलाएगा स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या हुई, द मिरर हैविंग स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टर सरफेस स्फेरिकल हो उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब आइए एक सिंगल, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर बनाया कैसे जाता है। अगर आप स्फेरिकल मिरर के बनाने की बात करें तो स्फेरिकल मिरर बनाया कैसे जाता है, देख लीजिए बच्चों। ये मान लो ये आपके पास एक कांच की बॉल है, ये एक कांच की बॉल है। अब इस कांच की बॉल का कोई ना कोई सेंटर है, डेफिनेटली हर एक बॉल का एक सेंटर होता है, कांच की बॉल का एक सेंटर है। आपने क्या किया, इस बॉल को लिया और ये आपके पास क्या है, सिल्वर सॉल्यूशन है। सिल्वर सॉल्यूशन में इस बॉल को डिप कर दिया। जैसे सिल्वर सॉल्यूशन में आपने इस बॉल को डिप कर दिया, पूरी बॉल के ऊपर, कांच की बॉल के ऊपर सिल्वर की कोटिंग हो गई, बाहर एरिया में सिल्वर की कोटिंग हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हुई? यस सर, हो गई। यस सर। अब आपने इस बॉल को सूखने के बाद दो पार्ट में काट दिया, ये देखिए दो पार्ट में आपने काट दिया। बॉल को काटने के बाद आपके पास दो अलग अलग सरफेस निकली, एक ये सरफेस निकली, यहाँ पर कोटिंग थी सिल्वर की, और ये बन गई आपकी रिफ्लेक्टर सरफेस, अंदर वाली सरफेस, रिफ्लेक्टर सरफेस। और दूसरा पार्ट भी निकला, ये देखिए ये है, ये कहला गया, ये भी रिफ्लेक्टर, अंदर वाली जो सरफेस है ये है रिफ्लेक्टर सरफेस, समझ गया ना, इसी को बोलते हैं फेस ऑफ द मिरर। तो ये आपके पास सरफेस निकल गई। अब मिरर की रिफ्लेक्टर सरफेस अंदर दबी हुई है, अंदर दबी हुई है। अगर रिफ्लेक्टर सरफेस अंदर दबी हुई है तो ऐसे मिरर को हम बोलेंगे बेटा कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। दिस इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड दिस इज कॉल्ड कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ये है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और ये जो मिरर है बेटा, इसका पार्ट ये भी कॉनकेव ही है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टर सरफेस जो है दबी हुई है, केव, देखो गुफा बन रही ना, आप यहाँ जाके शरण ले सकते हो, आपको पानी नहीं भीगोगे नहीं, तो जहाँ पे गुफा बन जाए दैट इज़ कॉल्ड केव, सो दिस इज़ कॉल्ड कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अब बात ये आती है कि आपका जब ये आपने मिरर काटा था तो इसका डेफिनेटली सेंटर तो था, तो ये जो सेंटर था अभी तो जब तक ये कटा नहीं था तब तक तो ये मिरर के अंदर था, इस गोले के अंदर था, बट जब ये कट जाएगा तो ये सेंटर जो है ये इमेजनरी हो जाएगा, सो दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सॉरी बच्चों, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये जो सेंटर है दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस रेडियस इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर की रेडियस जो होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट सी, और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो आ गया समझ में? यस ओके। अब जरा एक और चीज़ फील करिए, ये आपके पास मिरर है। कभी आपने एप्पल काटा हो तो एप्पल को स्लाइस करो तो एक स्लाइस यहाँ वाली काटो, अगर छोटी स्लाइस काटो तो ये जो छोटा बनेगा, ये जो डायमीटर बनेगा मिरर का, ये छोटा सा बनेगा, इतना सा। बट अगर आपने उसी एप्पल को एकदम बीचों बीच काटा तो वो जो बनेगा मिरर, जो मिरर का शेप बनेगा, वो काफ़ी बड़ा बनेगा। तो ये जो इफ़ेक्टिव एरिया होता है जहाँ ये लाइट को ले सकता है, ये जो आप काट रहे हैं, इसका नाम ले लो ए, इसका नाम ले लो बी, ओके। ये जो पार्ट है जो लाइट को ले सकता है बेटा, इफेक्टिव पार्ट, ये जो लाइट को ले सकता है, एक ए बी ले लो और बड़े वाले को ले लो सी डी। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये जो यहाँ से लेकर टॉप टू बॉटम जो लेंथ होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं, इसको डायमीटर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं बेटा? अपर्चर। समझ में आया? बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड अपर्चर। ये जो मिरर का पार्ट है, ये जो मिरर का बड़ा सा हिस्सा आपको जो दिख रहा है, जो लाइट को टेक कर सकता है, ले सकता है, जिससे लाइट आएगी जिसको देख के, सो उसको हम बेटा बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर जितना ज़्यादा बड़ा होगा मिरर उतना कम घूमा होगा, और अपर्चर जितना छोटा होगा, ये देखो इसका अपर्चर कितना छोटा है, ये अपर्चर बहुत छोटा है और मिरर बहुत ज़्यादा टर्न है, देख लो। और मिरर के टर्न को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। जो मिरर का घुमाव है बेटा वो कहलाता है अपर्चर, और ये इसका टॉप टू बॉटम जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अपर्चर। क्लियर गाइस? यस सर। अपर्चर। हाँ ओके। तो अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अपर्चर हो गया, कर्वेचर हो गया, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉनकेव मिरर हो गया, अब कॉनवेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉनवेक्स मिरर कैसे बनेगा? कॉनवेक्स मिरर, तो कॉनवेक्स मिरर के लिए क्या करो, एक मिरर, ये गोला ले लो आप, कांच की बॉल ले लो, खोखली हुई बॉल, और यहाँ कांच की बॉल में एक छोटा सा होल कर दो, और इसके अंदर क्या डाल दो, इंजेक्शन से निडल लगा करके आप लिक्विड सिल्वर डाल दो, लिक्विड सिल्वर, और लिक्विड सिल्वर को डाल करके आप इसको जेंटली हिलाओ, जिससे कि पूरा का पूरा सिल्वर जो है इसके पूरे पूरे प्लेस पे अंदर चला जाए। जब पूरा पूरा सिल्वर पूरे अंदर प्लेस पे चला जाएगा तो आपके देखते देखते जो है सिल्वर अंदर चला गया, तो ये जो सरफेस है बिल्कुल मिरर के जैसे ऊपर की सरफेस चमकदार हो जाएगी, जिसमें आपका चेहरा आपको दिखाई देगा। अब आप इसको काट लीजिए। आपने काटा तो आपके पास क्या सीन बना? ये आपके पास कुछ मिरर ऐसा निकल करके आया। यस, ये मिरर था, ये इसकी अंदर वाली सरफेस थी, और ये इसका फेस है, मतलब ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? बल्ज आउटवर्ड। पिछले बार क्या हुई थी? दबी हुई थी, डिप्रेस थी, और इस बार क्या है? बल्ज है। बल्ज मतलब उठी हुई, बच्चों स्पेलिंग लिख लो, बी एल डी यू जी ई, बी यू एल डी जी ई, ये इस बार बल्ज है, सरफेस उठी हुई है, ओके। पिछले बार कैसी थी? दबी हुई थी, मतलब सप्रेस थी, इस बार उठी हुई है, बल्ज आउटवर्ड। पिछले बार डिप्रेस्ड इनवर्ड थी, पिछले बार अंदर की ओर डिप्रेस थी, अब इस बार बाहर की ओर उठी हुई है, इस बार बाहर की ओर उठी हुई है। तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। फिर से वही सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम पोजीशन पे होगा, तो पहले तो स्फेरिकल गोले के अंदर था, अब स्फेरिकल गोले के बाहर है, ये देखिए, ओके। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच इट बीइंग कट, जिससे इसको काटा गया है, जिस गोले से इसको काटा गया है, ये उसका सेंटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द मिडिल ऑफ द मिरर, मिडिल ऑफ द मिरर को क्या बोलते हैं बच्चों? पोल बोलते हैं, पोल। जो मिरर का मिडिल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। तो पोल से लेके सेंटर की दूरी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो द डिस्टेंस ऑफ द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन? यस सर। ओके,
लेट्स कम बैक टू द टॉपिक नाउ टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. राइट डाउन द गाइस क्वेश्चन. राइट लिखे डिफाइन स्फेरिकल मिरर. ओके भाई शिवम पढ़ो बेटा. द कर्ड द कर्व सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड अ कर्व्ड मिरर. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर. The reflecting surface of such mirrors can be considered to be a form of, to form a part of the surface of the sphere. Such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called the spherical mirror. Yes, exactly. So many types of mirror whose reflected surface are somewhat curved are called curved mirror, and spherical mirror are the type of curved mirror. There may be many types of curved mirror. One variety of curved mirror is parabolic mirror. It is looking like this. ये होता है parabolic mirror, जो Apache RTR के गाड़ी में या Bajaj Pulsar में लगे हुए होते हैं reflector. That those are called parabolic mirror. Now next लिखिए अगला question. Write the types of spherical mirror. Write the types of spherical mirror. पढ़ो शिवम. Types of spherical mirror. The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outwards. First, a spherical mirror whose outer surface is polished and the inner side is the reflecting surface is called a concave mirror. A concave mirror is also known as a converging mirror as it converges the incident ray after reflection. Very important line, guys. This is called converging mirror. Why? क्योंकि ये जितनी भी light इसके ऊपर आती है, ये सबको एक ही point पे समेट के रख देता है. That's why this mirror is called converging mirror. तो बेटा concave mirror का दूसरा नाम है converging mirror, क्योंकि ये light को क्या करता है, converge कर देता है. जितनी parallel light इसके पास आती है ये सबको समेट करके एक point पर केंद्रित कर देता है, एक point पर focus कर देता है. And that point is also called point of focus. कमाल की बात है, जिस point पर focus करता है उसी को focus point बोलते हैं. So this is called converging mirror. Second पढ़ो बेटा, एक spherical mirror. A spherical mirror whose inner surface is polished and the outer side is the reflecting surface is called a convex mirror. A convex mirror is also known as a diverging mirror as it diverges the incident rays after reflection. Exactly. So, bachcho, agar aap concave ko dekhe, to concave mein reflector part jo hoga daba hua hoga. Aur convex ko dekhe, तो कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टर पार्ट होगा वो उभरा हुआ होगा, बल्ज आउटवर्ड होगा. तो ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव. कॉन्वेक्स कॉनकेव जहां रेज को समेट देता है एक पॉइंट पे, कन्वर्स करता है. जो कॉन्वेक्स होता है अगर आप उस पे रेज डालोगे, यदि आपने रेज डाली तो वो समेटेगा नहीं, क्योंकि पीछे तो जा नहीं सकती है. क्या करेगा, इधर रिफ्लेक्ट कर देगा ऊपर की तरफ. यस, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग, रेस को भ्रमित करता है, उल्टा भ्रमित कर देता है, उनको दिशा खो देता है. सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. और ये क्या था, कन्वर्जिंग. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे कि अप्लाई होते थे. अब आइए इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं सारे मिरर में, कि क्या क्या टर्म्स होते हैं. ठीक है ना, बोलो यहाँ तक क्लियर सबको ना. यस सर. यस सर. ओके. Yes, sir. अब आइए इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं. ये देखिए आपके सामने ये मिरर दिखाई दे रहा है. तो एक्चुअली ये हॉलो ग्लास स्फीयर था और हमने बाहर कलर कर दिया है. ओके, ज़्यादा ही हो गया कलर, चलिए सिल्वर कर देते हैं बाहर. ठीक ना, तो बाहर जो है ये अपना सिल्वर कलर हो गया है. ठीक ना, और सिल्वर कलर होने के बाद जो है अंदर का जो पार्ट है, ये जो अंदर का पार्ट है, ये दिस वन पार्ट, यस, ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि बाहर इसके पॉलिश है. तो अंदर का पार्ट दबा हुआ है, सो ये क्या है, कॉनकेव है, तो हॉलो स्फीयर है. ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर. ये जो पार्ट दिख रहा है कॉनकेव मिरर है. एम से लेके एन तक, एम डैश तक, इसको हम बोलेंगे अपर्चर. ये जिस गोले का सेंटर था, ये जो मिरर है जिस गोले का हिस्सा है, उस गोले का सेंटर वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. मिरर का सेंटर पॉइंट कहलाता है पोल, और पोल और सेंटर से जाने वाली एक्सेस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस. ये देखिए पोल और मिरर से जाने वाली एक्सेस होती है प्रिंसिपल एक्सेस. और एक और बात, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस.
यानी कि जो फोकस होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर। अब यही कॉन्वेक्स के मोड में देख लीजिए, ये कॉन्केव था और ये कॉन्वेक्स है, अंदर पॉलिश है, बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरी हुई, तो कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर है और ये हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास है। क्या किस में कौन बेटा? वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स में, हाँ जी कॉन्वेक्स में केवल और केवल वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, अभी आगे आएगा बेटा, ओनली वर्चुअल। कॉन्वेक्स में लिख सकते हैं आप लोग ओनली वर्चुअल, और कॉनकेव में दोनों इमेज फॉर्म होती हैं, रियल भी और वर्चुअल भी। रियल ज़्यादा बनती हैं, वर्चुअल थोड़ी सी बनती है, तो ये दोनों बनाता है, मगर कॉन्वेक्स केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है ना? यस, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के लिए आपको किसी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होगी, बगैर स्क्रीन के आपको दिख जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन लिखे, डिफाइन पोल। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, डिफाइन पोल। ओके लिख लिया? यस हाँ, एक दो क्वेश्चन और भूल गया मैं लिखाना। डिफाइन द टाइप्स ऑफ मिरर, है ना? लिखा दिया शायद, राइट द टाइप्स ऑफ मिरर। तो दो टाइप के मिरर होते हैं, एंड ड्रॉ देयर डायग्राम। अब बात करते हैं डिफाइन पोल, पड़ोस एवं पोल। द सेंट पोल, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। पोल लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई पी, द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। ओके, वेल क्लियर इट इज। नेक्स्ट बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन द फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। ऑन द अदर हैंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एग्जैक्टली, देखिए ये जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो होती है ना, चमकदार सर्फेस, तो अगर कॉनकेव के केस में बात करें तो कॉनकेव के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उसके उसी तरफ है जिस तरफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब ये फ्रंट में है। मगर कॉन्वेक्स के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड है। तो ये लिख लो कि कॉनकेव के केस में ये फ्रंट में मिलेगी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फ्रंट है इसका जहाँ लाइट खेलेगी, और ये क्या है? बिहाइंड है। तो कॉन्वेक्स के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर, और कॉनकेव के केस में फ्रंट ऑफ द मिरर। और जैसा सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा वैसे ही फोकस मिलेगा, तो इसका जो फोकस मिलेगा वो फ्रंट ऑफ द मिरर मिलेगा, और इसका जो फोकस मिलेगा वो बिहाइंड द मिरर मिलेगा। ठीक हुआ, समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके, यस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों, डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर। पढ़ो शिवम। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज डिनोटेड बाय द लेटर आर। यस एग्जैक्टली। तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर की रेडियस है जिससे आपने अपने मिरर को काटा है। तो रेडियस ऑफ स्फेयर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच यू हैव कट योर मिरर। ओके, इट इज़ अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जिस मिरर से आपने अपने इस मिरर को, जिस स्फेयर से आपने अपने मिरर को काटा है उस स्फेयर की रेडियस। पढ़ो, Similar to the center of curvature, the radius of curvature lies in the front of concave mirror and lies behind the convex mirror and is not a part of the mirror as it lies outside the mirror. Yes. याद रखिएगा कि जो radius of curvature है ये mirror का part नहीं है, क्योंकि ये mirror के outside lie करती है, ठीक है ना? जैसे pole mirror का part है but radius of curvature mirror का part नहीं है। चलिए नेक्स्ट बेटा, एपर्चर। पढ़ो बेटा एपर्चर। एपर्चर, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द एपर्चर शोन एज एम डैश, दैट इज द वर्टिकल लाइन जॉइनिंग एम एंड एम डैश। एग्जैक्टली। सो द इफेक्टिव जो आपका एरिया होता है
जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको अपर्चर बोलते हैं. यू यू कैन से मोर बेटर दिस इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, बिकॉज टॉप टू बॉटम ज्वाइन करता है तो फीलिंग डायमीटर की आती है. सो इट इज़ द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस. नेक्स्ट पढ़िए बेटा प्रिंसिपल एक्सिस. द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. एग्जैक्टली. तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये है पोल और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. इससे जाने वाली एक काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस. डन. ओके नेक्स्ट है बच्चों फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी फोकस और प्रिंसिपल फोकस. अब फोकस की डेफिनेशन समझ लो. फोकस का जब मन में ख्याल आता है तो क्या आता है ख्याल? फोकस का मन में ख्याल आता है मतलब कि मिरर जो है लाइट को कहाँ पर समेट रहा है. यस. तो फोकस के लिए आपको पहली चीज मिरर में पैरेलल बीम डालना पड़ेगा, और पैरेलल बीम आने के बाद जिस पॉइंट पर लाइट या तो फोकस होगी या फोकस होती हुई अपीयर होगी उस पॉइंट को बोलेंगे आप फोकस. सो व्हाट यू कैन से अबाउट फोकस? इट इज़ द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल बीम्स आर गेट कंसंट्रेटेड आफ्टर द रिफ्लेक्शन. जहाँ पर पैरेलल बीम जो होती हैं कन्वर्ज होती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन और अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट, या इससे आती हुई समझ में आती हैं. अब ये जो मैंने सेकेंड लाइन बोली है मैंने किसके लिए बोली है? कॉन्वेक्स के लिए. देखिए कैसे ये कॉन्वेक्स है, इसमें आप लाइट अगर डालेंगे ना यूं यूं तो लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये देखो ये नीचे चली गई ये ऊपर चली गई, बट स्टिल ऐसा लगेगा कि ये किसी पॉइंट से आ रही हैं. सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल होगा फोकस, यहाँ पे वर्चुअल होगा. सो दिस इज कॉल्ड दे आर अपीयर टू बी कम फ्रॉम सम पॉइंट. ऐसा लगेगा कि किसी पॉइंट से आ रही हैं या किसी पॉइंट में मिल रही थी सबकी सब और वहाँ पे सोर्स रखा हुआ था. दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और यू कैन से प्रिंसिपल फोकस. पढ़ो बेटा फोकस और प्रिंसिपल फोकस. Point on the principal axis at which the parallel rays coming from infinity converge after reflection is called the focus or the principal focus of the spherical mirror. Focus is represented by the letter F. चलिए लिख लीजिए बच्चों focus की definition. It is a point on principal axis at which the parallel rays coming from infinity converge after reflection is called focus or principal focus. सर ये पता कैसे चला था कि जो पैरेलल लाइन आएंगी वो फोकस पर मतलब कन्वर्ज होंगी? एक्सपेरिमेंट थे बेटा, एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो सारी पैरेलल लाइन एक ही जगह पे फोकस हो रही थी, चाहे दो भेजो चाहे 2000 भेजो चाहे जितने भी भेजो. तो पैरेलल लाइन जिस पॉइंट पे फोकस हुई ये पता नहीं चला, पैरेलल लाइन सारी जिस पॉइंट पे आकर के मिली उसको कहा गया फोकस. समझ गए? यस सर. जैसे सन जिस डायरेक्शन से निकला उसे ईस्ट कहा गया. सन ईस्ट से नहीं निकला क्योंकि सन को नहीं पता कि ईस्ट क्या है, मगर सन जिस डायरेक्शन से निकला दैट इज सपोज टू बी ईस्ट. सन की वजह से ईस्ट है, ईस्ट की वजह से सन नहीं है. उसी तरीके से पैरेलल लाइन की वजह से फोकस है. समझ गए? पैरेलल लाइन आई जिस पॉइंट पर मिली वो पॉइंट कहा गया फोकस. ठीक है बेटा? यस सर. ओके चलिए अगला लिखिए बच्चों फोकल प्लेन. ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में भी नहीं है. फोकल प्लेन क्या है बेटा? आपके पास ये फोकस है, ये मिरर है कॉनकेव, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर कहीं पर फोकस हो. आप इस फोकस पर एक पेपर फंसा दो, एक पेपर की शीट डाल दो, इसके परपेंडिकुलर एक पेपर रख दो, तो ये जो प्लेन बन गया ना परपेंडिकुलर और उससे फोकस जा रहा है उसको बोलते हैं फोकल प्लेन. तो ये कहलाता है फोकल प्लेन. ये देखिए, तो
तो ये जो पूरा, अब ये बना नहीं है ऐसा, ये थोड़ा हल्का बना है, मैं इसको पूरा बना दूं तो ये देखिए ऐसा बनेगा, ये पेपर के जैसा, शीट के जैसा। तो ये जितना भी प्लेन है जो फोकस से जा रहा है, इसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। अब आप जानना चाहोगे कि सर इसका क्या यूज़ है। अगर पैरेलल लाइन एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो ये सारी की सारी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएंगी, सब की सब फोकस पे कंसंट्रेट हो जाएंगी, आके मर्ज हो जाएंगी। बट अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये देखो ये थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस से टिल्ट होके आ रही है, ये देखिए ऐसे आ रही है, तब ये बेचारी फोकस पे तो नहीं मिल पाएंगी, हाँ उस फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पर मिलेंगी। ये देखो जैसे ये सब की सब यहाँ मिल गई, आ गई, तो फोकस पर तो नहीं मिलेंगी बट फोकल पॉइंट पर मिलेंगी, समझ गए? कन्वर्स तो पॉइंट क्या बेटा, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट तो बेटा वो था जिस पे पॉइंट था, प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट था। तो अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, सबकी सब पैरेलल थी, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो ये बेटा किसी पॉइंट पर मिल रही थी। बट अगर ये आपस में पैरेलल नहीं है जैसे ये है, तो ये किस पर मिलेंगी, ये फोकल प्लेन पर मिलेंगी। फोकल प्लेन ये है बेटा, फोकस से जाने ऊपर फोकल प्लेन ये है। तो मान लो जैसे ये लाइट आ रही है, दो लाइट आ रही है, ऐसी आ रही है, तो बेटा ये कहाँ पर मिलेंगी, ये यहाँ कहीं पर मिलेंगी फोकल प्लेन में। ये देखिए, ये देखो यहाँ कहीं पर मिलके ऐसी चली गई। क्लियर हुआ बच्चों? मीन्स फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर उसी लाइन पर मतलब रहेगी? नहीं, वो लाइन नहीं बेटा, वो प्लेन है, मैंने कहा ना उस पर जाके आप एक ब्लेड ठूंस दो, ये जो फोकस का पॉइंट है उस पर आप एक खड़ी ब्लेड रख दो, तो वो लाइन नहीं रहेगी, वो ऐसा प्लेन बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा बताओ? यस, एक ब्लेड रख दो या एक कार्डबोर्ड घुसा दो उस पर या एक पेपर का पेज डाल दो, तो एक ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर की नहीं बनेगा बताओ? तो ये क्या है, ये प्लेन है, तो इस प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब जितनी भी लाइन आएंगी, कैसी आएंगी, एक्सिस के नॉन पैरेलल, मान लो ऐसी आई, तो उनकी इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, उन लाइंस को कहाँ पे फोकस होना पड़ेगा, फोकस पे नहीं होगी, फोकल प्लेन पे होंगी। समझ में आया? यस। सबको क्लियर है? सब लोग यस बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है शिवम, पढ़ो। फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, द प्लेन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ मिरर और लेंस, इन अदर वर्ड्स द वर्टिकल प्लेन इन विच द फोकल पॉइंट लाइज इज द फोकल प्लेन। इफ पैरेलल रेज कमिंग ट्रैवलिंग टुवर्ड्स अ कन्वर्जिंग मिरर आर नॉट पैरेलल टू द मेन एक्सिस, दे स्टिल कम टू अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बट नॉट एट द मेन फोकल पॉइंट एफ। We can visualize a plane that passes through F and is perpendicular to the main axis as shown. It is called the focal plane. Parallel rays that are not parallel to the main axis gather at a point such as F1 on the focal plane. बच्चों क्वेश्चन लिखो। Define focal plane and draw it. Define focal plane and draw it. ठीक है? अब देखिए ये तो था किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में, और कॉन्वेक्स कॉनकेव के केस में फोकल प्लेन देखिए, ये सारी लाइन आ रही थी, पैरेलल आ रही थी आपस में, बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं थी, तो ये कैसी जाएंगी, ऐसी चली जाएंगी। और इनको पीछे बढ़ाओगे तो ये फोकल प्लेन पर कन्वर्ज होती हुई समझ में आएंगी। इज इट क्लियर नाउ? दिस इज व्हाट, दिस इज वर्चुअल फोकल प्लेन। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए, सो दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। चलिए ये हो गया। ओके ओके, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए बच्चों अगला, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए व्हाई अ कॉनकेव मिरर, व्हाई नहीं, हाउ, हाउ अ कॉनकेव मिरर, हाउ अ कॉनकेव मिरर वर्क्स एज कन्वर्जिंग मिरर। एक्सप्लेन कीजिए कि
एक कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर के जैसे काम कैसे करता है? एक्सप्लेन कीजिए कि एक कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग मिरर के जैसे काम कैसे करता है। सर उसे जितनी भी पैरेलल लाइंस आएंगी वो एक जगह पर फोकस होती है, इससे पता चलता है कि वो कन्वर्जिंग मिरर है। एग्जैक्टली। आप एक कॉनकेव मिरर को ले लें और हाई इंटेंस कॉनकेव मिरर है आप ले लें, तो ये जितनी भी लाइट आएंगी ये हर सभी लाइट को एक पॉइंट पर क्या कर देगा, फोकस कर देगा। ये देखिए ये सारी लाइटें एक पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं और आपको एक बेहतरीन ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा ज़बरदस्त। तो ये कन्वर्जिंग मिरर के जैसे काम करेगा। चलो शिवम पढ़ो। और कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड टू फोकस लाइट ऑफ द सन टू बर्न अ होल इन पेपर। तो आप इवन मतलब आप सन की लाइट को कन्वर्स करा के पेपर को ग्लो तक जला सकते हैं, मतलब सन की सारी लाइट जो है आप कन्वर्स करा के उसे पेपर जला देंगे। आगे पढ़ो। द लाइट फ्रॉम द सन, द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। The distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length of the mirror. Exactly. क्योंकि आपका जो sun burn होगा, जो paper burn होगा, paper किस point पे burn होगा? Paper जो है focal plane पे burn होगा, मतलब जो point of focus होगा, जो point of burning है, वो exactly आपका focal length के equal है। समझ में आया? Yes, sir. जो point of burn है, वो focal length के equal है। Yes. सर जो सर ये अभी आपने सर बताया था सर, जो ये रेस सर, जो सर वो रेस फॉल होती है सर कॉनकेव मिरर में सर, वो फोकस की तरफ सर कौन वो जाती सर कॉनवर्ज सर, तो सर वो रियल इमेज फॉर्म करती सर। एग्जैक्टली रियल इमेज फॉर्म करेगी ना बेटा। यस सर, क्योंकि यहाँ पर इमेजेस रियली मिल रही हैं तो रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल नहीं है। वर्चुअल तो डैश 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 करके बनती, तो ये रियल इमेज है। सर वर्चुअल इमेज विल फॉर्म इन कॉन्वेक्स मिरर। यस एग्जैक्टली, वर्चुअल कॉन्वेक्स में बनेगी। वर्चुअल कॉन्वेक्स में बनेगी। ओके सर, कॉन्वेक्स का फोकस भी वर्चुअल होता है। हाँ यस सर। हाँ पढ़ो यहाँ से शिवम। द हीट प्रोड्यूस, द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मिरर गिव्स द एप्रोक्सीमेट वैल्यू of the focal length of the mirror. Next, rays parallel to the principal axis meet at focus on the reflection of from concave mirror. In this case from of a concave mirror, the parallel rays coming from infinity converge after a reflection in front of the mirror. Thus the focus lies in front of the concave mirror. Yes, focus hota hai wo concave mirror ke samne lies karta hai. Chaliye ab iske liye baat kar lete hain hum log कौन से मिरर के लिए। ये भी आपने देखा फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके लिखिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए। एक्सप्लेन हाउ अ कॉन्वेक्स मिरर वर्क्स एज डाइवर्जिंग मिरर। चलिए अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो है डाइवर्जिंग मिरर के जैसे काम कैसे करता है वो देख लीजिए। पढ़ो शिवम। इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज, यहां से रेज, अच्छा एक मिनट, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस ऑन एक्सटेंडिंग द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। हां बच्चों ये डायग्राम बनाइए। देखिए यहां से थोड़ा डायग्राम बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए यहां से रेज आ रही हैं और यहां से रेज आ रही हैं, ये रेज आई। अब ये यहां पे जब टकराएगी तो रिफ्लेक्शन का लॉ लगेगा, तो रेज जो है रिफ्लेक्शन से होगा, रिफ्लेक्शन करके इधर चली जाएगी। अब रियल वर्ल्ड में तो कोई रेस इधर जा नहीं सकती, तो इमेजिनरी हम सारी रेस को यहाँ पर कंसंट्रेट करवाते हैं, तो ये बनता है अपना वर्चुअल फोकस। यहाँ भी रेज आ रही थी तो रियली क्या हो रही है, इस तरफ क्या हो रही है, देखो इस तरफ देखो तो डाइवर्ज हो रही हैं, बट इधर हमने इनको अपेरेंटली कन्वर्स किया है तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, फोकस बिहाइंड द मिरर। तो ये कहलाएगा फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर।
चलिए पढ़िए. इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. In the case of a convex mirror, parallel rays coming from infinity appear to be diverging from behind the mirror. Thus, the focus lies behind the convex mirror. Yes, exactly. तो focus जो होता है convex mirror का mirror के behind होता है. अब last topic है भाई focal length. तो focal length क्या होती है? Pole की focus से जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं focal length. Sir, हाँ बेटा. Sir, what is that mean word infinity, sir? Coming rays from infinity मतलब सन से आने वाली जो रेज होती हैं, सन को बहुत लंबी दूरी में माना गया है, या ऐसा सोर्स जो बहुत उसके मिरर के अप्रोच से बहुत ज़्यादा दूर हो, समझ गए ना? मतलब बहुत दूर से, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से आने वाली रेज. और याद रखिए बेटा, इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑलवेज पैरेलल होती हैं, याद रखिएगा. जितनी भी रेज आती है इन्फिनिटी से, वो सबकी सब क्या होती है बेटा? पैरेलल. समझ में आया? यस सर. अब अगला है बेटा, क्वेश्चन लिखे लास्ट, लिखे डिफाइन फोकल लेंथ. क्वेश्चन लिखे डिफाइन फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ क्या है बच्चों? पोल से लेके फोकस की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ. तो ये बेटा पोल है और ये फोकस पॉइंट है. सो पोल से लेके फोकल पॉइंट तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस. इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस या प्रिंसिपल फोकस. अभी अपन ने पढ़ा ना, इसी का नाम क्या था? मेन फोकस का नाम क्या था? प्रिंसिपल फोकस. ये देखो प्रिंसिपल फोकस. इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू प्रिंसिपल फोकस. अब देखिए दो चीज़ें आपके सामने होने वाली हैं. कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ है वो अपेरेंट है. तो कॉन्वेक्स के केस में लाइट आई ऐसे और आपको राइट साइड चलना पड़ा, तो बेटा कॉन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ मानी जाएगी वो पॉजिटिव होगी. तो लिख लो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ इक्वल्स टू पॉजिटिव. समझ में आया? फॉर कॉन्वेक्स एफ इक्वल टू पॉजिटिव. और अगर आप कॉनकेव की बात करें, ये देखिए कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, नेगेटिव, ये आपका पोल है और यहाँ आपका फोकस है. तो पोल से कहाँ चलना पड़ेगा? चलते कहाँ से बेटा? पोल से है. तो पिछले बार पोल से आपको चलना पड़ा था राइट, तो आपने पॉजिटिव लिया था. बट इस बार आपको पोल से कहाँ चलना पड़ेगा? लेफ्ट चलना पड़ेगा. तो ये डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव. लिखिए फॉल फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज नेगेटिव. तो देखते ही समझ जाइएगा, अगर नेगेटिव फोकल लेंथ है मतलब कॉनकेव है, अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ है मतलब कॉन्वेक्स है. समझ में आया बच्चों? सर लेकिन ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है इसका एप्लीकेशन तो हमें आई वाले चैप्टर में लगता है ना? हाँ लगेगा, अगले चैप्टर में लगता है। हाँ ठीक है, अभी करवाएंगे एप्लीकेशन. वही पूछना था कि आपने, हाँ सर वही पूछना था कि आपने आई चैप्टर करवा दिया है क्या? नहीं नहीं करवाया, उसको नहीं करवाया है. इसमें भी लगेगा एप्लीकेशन, इसमें आएगा, कल आएगा, ठीक है ना? तो बेटा देखो ये फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है. अब इसकी फोकल लेंथ है, यहाँ पे क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो लिख लो बेटा कि कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है तभी तो उसका फोकस पॉजिटिव होगा. तो इसका आर भी क्या है? पॉजिटिव. एफ भी क्या है? पॉजिटिव. और एक और बात, जो फोकल लेंथ होती है वो आर का जस्ट हाफ होती है, ये नोट कर लो. F इक्वल टू आर बाई टू, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आप लोग को कि रेडियस दी गई है, फोकल लेंथ निकालना है तो जस्ट हाफ कर देना. तो लिख लो बच्चों F इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है? डन सर. ओके, अब देखिए कॉनकेव के केस में, कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो. तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे फोकस है तो यहाँ पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सी. और सी तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर. तो ये भी नोट कर लो, इन द केस ऑफ कॉनकेव एफ इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, लेस देन जीरो, एंड आर इज नेगेटिव मतलब वो भी जीरो से छोटा. चलिए डन. Yes, yes, sir. Okay, तो बच्चों शीट ओवर होती है. जितना मैंने कराया है पूरे के एक एक क्वेश्चन बनाइए, आंसर बनाइए और लिख करके भेज दीजिए.
चलिए थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।